हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। हम देखेंगे कि एनालॉग कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डिजिटल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, या एनालॉग कम्युनिकेशन के क्या डिसएडवांटेज हैं और डिजिटल कम्युनिकेशन के क्या डिसएडवांटेज हैं। मतलब हम दोनों में कंपेयर करेंगे और बेसिस होंगे हमारे पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सी चीज एडवांटेजेस है और कौन सी चीज डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोनों में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, तो पैरामीटर्स मैंने यहां लिख रखे हैं। ये हमने एनालॉग कम्युनिकेशन डिफाइन किया है और इधर डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या होता है। एनालॉग कम्युनिकेशन यूजेस एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन में एनालॉग सिग्नल्स यूज होते हैं कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफर के लिए या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए एनालॉग सिग्नल यूज होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन में डिजिटल सिग्नल यूज होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। ठीक है, नॉइस एनालॉग कम्युनिकेशन में अफेक्ट, मतलब एनालॉग कम्युनिकेशन में नॉइस अफेक्ट कर सकती है एनालॉग कम्युनिकेशन को, डिजिटल कम्युनिकेशन में नॉइज अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, करती है, कम करती है। ठीक है, डिस्टॉर्शन एनालॉग कम्युनिकेशन के आउटपुट में डिस्टॉर्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में डिस्टॉर्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है, एरर एनालॉग कम्युनिकेशन में एरर जो होती है आने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में एरर आने की संभावना कम होती है, लो होती है। ठीक है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर जो एनालॉग कम्युनिकेशन का होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, उसमें फिजिकली सर्किट्स जोड़ने पड़ते हैं, अगर कुछ खराब हो गया तो उसको बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल होता है, मतलब अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो उसमें कुछ आईसीज वगैरह लगी होती है, निकाल के दूसरी लगा दीजिए तुरंत। ठीक है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, कॉस्ट एनालॉग कम्युनिकेशन का कॉस्ट कम, भले कम होता है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन का कॉस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है लेकिन कॉस्ट उसका ज्यादा होता है। ठीक है, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट एनालॉग कम्युनिकेशन में लो होती है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, पावर रिक्वायरमेंट एनालॉग कम्युनिकेशन में ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो फिजिकल कंपोनेंट्स यूज होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, इन सब में पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इसमें आईसी वगैरह यूज होता है डिजिटल कम्युनिकेशन में, इसलिए पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पर बहुत कम होती है। ठीक है, मॉड्यूलेशन, इसमें एनालॉग कम्युनिकेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन में पीसीएम या डीपीसीएम यूज किया जाता है फॉर मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, पोर्टेबिलिटी, एनालॉग कम्युनिकेशन लेस पोर्टेबल होते हैं क्योंकि इनका साइज थोड़ा ज्यादा होता है, वेट भी ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन मोर पोर्टेबल होता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे आईसीज होते हैं, वेट हल्का होता है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसान होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन में। आई होप आपको दोनों कम्युनिकेशन बीच में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दूसरे को भी शेयर कीजिए। ठीक है।